सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको नारा लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। हालांकि आपको पहले इस विज्ञापन लेखन आपने लिखा होगा, विज्ञापन लेखन आप जानते होंगे, उसमें नारा का बनाया जाता था, नारे का प्रयोग किया जाता था, परंतु उसमें नारे का चित्र के साथ प्रयोग किया जाता था। यहाँ केवल नारा लेखन इस बार CBSE द्वारा कक्षा 9 में प्रारंभ किया गया है, तो इसीलिए नारा लेखन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। वास्तव में नारा लेखन क्या है? नारा लेखन लेखन का एक महत्व, लेखन की अन्य कलाओं की तरह यह भी एक कला है। नारा लेखन, जैसे आप अनुच्छेद लेखन जानते हैं, आपने पत्र लेखन जाना, आप संवाद लेखन जानते हैं, ये सब लेखन की एक कला है। उसी तरह से नारा लेखन भी एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कला है। इसके लिए आपको बता देती हूँ कि नारा लेखन क्या है। सबसे पहले तो नारा लेखन जो है वह कम से कम शब्दों में अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से कहने को नारा लेखन कहते हैं। प्राचीन काल से ही नारे का प्रयोग किया जाता रहा है। नारा ऐसा होता है कि जो अत्यंत संक्षेप में होता है और उसे बार बार दोहराया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ही नारे का प्रयोग हो रहा है, परंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन नारों का प्रयोग बार बार काफ़ी पुराने समय से होता आया है। नारा वास्तव में नारे को घोष और सिंहनाद आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे ये उद्घोष भी कहते हैं, हुंकार भी कहते हैं। अपने विचार या तथ्य को जोर शोर से रखने और किसी के समक्ष रखकर उसको मनवा लेने की क्षमता वाला जो शब्द समूह हो उसे नारा कहते हैं। नारा वह शब्दों का समूह है। इसकी परिभाषा इस प्रकार आप जान सकते हैं कि नारा वह शब्दों का समूह है जो जन समुदाय को उत्तेजित करे, प्रेरित करे और वह उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए जिस चीज़ के लिए नारा दिया जा रहा हो। यानी कि नारा एक ऐसा माध्यम है जो कि व्यक्ति को पूरी तरह से सजग कर देता है, सचेत कर देता है और कुल मिला के उसके दिलो दिमाग पे छा जाता है। अब नारा लेखन जो है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहले हम उसके मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। नारा लेखन का पहला उद्देश्य है कि नारे का अर्थ क्या है। फिर दूसरा, यानी कि नारा जो लिख रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका किस तरह से उसके अर्थ को समझा जा सकता है। दूसरा, इसका मुख्य अर्थ जिसका उद्देश्य है कि नारे का महत्व क्या है, मतलब नारा किस रूप में उसका महत्व हमारे जीवन में है। तीसरा है नारे के गुण, और चौथा है नारा बनाने की जो प्रक्रिया है वह कैसी होनी चाहिए, किस तरह से नारों को बनाना चाहिए। नारा निर्माण के मुख्य तत्व क्या है, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। इस प्रकार नारे के ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम नारा जो है वह उसके मुख्य बिंदुओं पर आते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। जैसे कि अनुच्छेद हम लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, संवाद लिखते हैं, उसी तरह से नारा भी लिखने का एक तरीका होता है। नारे कई प्रकार के होते हैं,
इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात जब कही जाती है तो, और वो भी प्रभावशाली ढंग से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा भावों को दर्शाने का जो माध्यम है वह है नारा। नारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक नारा होता है, फिर व्यवसायिक नारा होता है, राजनीतिक नारे होते हैं, धार्मिक नारे होते हैं। इस प्रकार इन सभी क्षेत्रों में थोड़े शब्दों से ज़्यादा बातों को कहना, कहने का माध्यम है नारा। नारा लेखन हेतु भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और भाषा का ज्ञान होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे पास भाषा नहीं होगा, शब्द भंडार नहीं होंगे, तो हम अच्छा नारा नहीं लिख सकते हैं। अच्छा नारा लिखने के लिए हमारे पास शब्द भंडार होना आवश्यक है, शब्दों का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नारे का महत्व क्या है? हर क्षेत्र में नारों का अपना विशेष महत्व है। चाहे आप व्यवसायिक क्षेत्र ले लें, व्यवसायिक क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा महत्व है इसका, क्योंकि जो उत्पाद आप बना रहे हैं, जो जिस उत्पाद के लिए आप नारा लिख रहे हैं, वह जितना प्रभाव उत्पादक होगा, प्रेरक होगा, उतना ही ज़्यादा वो उत्पाद बिकेगा, क्योंकि वह नारा आकर्षक होगा, तभी जो है उत्पाद के तरफ लोगों का दिमाग जाएगा और लोग उसको अधिक से अधिक संख्या में खरीदेंगे। तो इस तरह से विशेष महत्व इसका हर क्षेत्र में ही है। वैसे अगर राजनीति की दृष्टि से देखें तो राजनीति में भी नारों का बहुत महत्व है, क्योंकि नारे जो हैं लोगों को, जैसे चुनाव आता है तो चुनाव में राजनीतिक जो दल हैं वो अपने अपने नारे बनाते हैं। उन नारों में जो नारा जितना प्रसिद्ध होगा, लोगों की जबान पे चढ़ जाएगा, वह नारा लोगों के दिमाग को भी उतना ही प्रभावित करेगा। और जाहिर सी बात है, जब लोग ज़्यादा उस नारे को पर ध्यान देंगे तो वोट डालते समय भी वही नारा उन्हें याद आएगा, और इस तरह से उसका प्रभाव निश्चित रूप से राजनीतिक दल को मिलेगा। तो इस तरह से आप व्यवसायिक क्षेत्र में देख लीजिए, व्यवसायिक क्षेत्र में भी जो उत्पाद हमें, जिसका नारा ज़्यादा अच्छा लगता है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और बाज़ार जा कर के हमारा जो हमारी नज़रें हैं उधर ही, उसको ही खोजती हैं, वही प्रोडक्ट, वही उत्पाद जो है खोजती हैं जिसके नारे हमारे दिमाग में रहते हैं। और इसी तरह से धार्मिक नारे, धर्म का प्रचार भी नारों के माध्यम से किया जाता है, और ये आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से इसका प्रचलन रहा है। धर्म के क्षेत्र में इसका प्रचलन बहुत प्राचीन काल से ही रहा है, तो धर्म का प्रचार भी नारों के माध्यम से किया जाता है। फिर इसके पश्चात जो है सामाजिक नारे, सामाजिक नारे कुछ ऐसे होते हैं जो कि समाज में जो कुछ अगर नया करना है, समाज को बदलना है, समाज में की सोच बदलनी है, तो उन नारों के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। वे नारे इतने प्रेरक होते हैं, इतने आकर्षक होते हैं कि उन नारों का प्रभाव समाज के लोगों के दिमाग पर पड़ता है और वे जो है उस कार्य के प्रति वे सजग हो जाते हैं और वे उन नारों को का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं और सोचने पे विवश हो जाते हैं। इसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारे ऐसे होते हैं जिनका लोगों के दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। अब जैसे कि आपका राष्ट्रीय नारे हैं कुछ, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत नारे दिए गए और उन नारों का प्रयोग लोगों द्वारा हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उन नारों को दिया और उससे लोग प्रभावित हुए और अंततः जो है वे उस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और जोर शोर से उन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, भाग लिया।
नारे का संबंध विषय से होता है, नारे का संबंध सीधा सीधा विषय से होता है, और जो भी विषय आपको नारे के लिए दिया जाता है, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, उसका संबंध जो है सीधा सीधा विषय से होता है। नारे की सफलता तभी है जब वह यादगार के रूप में बन जाए, मतलब वह नारा यदि आप कुछ समय तक याद रख सके, तो अगर वो नारा आपको दिमाग में वो घर कर जाए, तो वह नारा मान लीजिए कि वह सफल नारा है। फिर इसी तरह से बहुत सारे सामाजिक नारे हैं, सामाजिक नारों के अलावा धार्मिक नारे हैं, और अब नारे का मुख्य नारे के लिख नारा लिखने के लिए जो जिन मुख्य बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है, वे मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसकी सरल शब्दों में इसमें इस प्रयोग किया गया हो, नारे में जो शब्द प्रयोग किया गया है वह सरल होना चाहिए, यानी भाषा बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए। दुरूह भाषा, क्लिष्ट भाषा का यदि हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसी भाषा जन सामान्य के पल्ले दिमाग में नहीं आएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी, यानी कि जन सामान्य उसको नहीं समझ पाएगा। तो हम अपनी विद्वता दिखाने के लिए यदि नारे का प्रयोग करते हैं, नारे में कठिन या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये नारे को सफल बनाने के बजाय वो असफल बना देगा। इसीलिए नारे को की भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी भाषा सुबोध होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, आसानी से हर तरह के जन समझे, या तो वो शिक्षित हो या कम शिक्षित हो या एकदम अशिक्षित हो, सभी जो है उसके उसकी भाषा को यदि समझ सके, यानी उनके लिए वह बोधगम्य हो, तो ये लक्ष्य तक, उस नारे का जो लक्ष्य है, उस नारे का मुख्य उद्देश्य है, वह वहाँ तक पहुँच सकता है। इसीलिए सबसे प्रथम और सबसे मुख्य बात यह है, सबसे मुख्य बिंदु यह है कि नारे की भाषा सरल और बोधगम्य हो, सरल और सुबोध हो। दूसरी बात है, दूसरा है कि तुकांत होना चाहिए। नारे जो हैं, जो लिखे जाते हैं, वो कविता की तरह, छंद की तरह लिखे जाते हैं, अक्सर करके उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो उसमें तुकबंदी होती है, उसमें तुकबंदी इसलिए होती है, तो वह जो है एक छंद की तरह लगता है, कविता की तरह लगता है, और इस तरह से नारे जो है आकर्षक हो जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि नारा लिखते समय हम तुकबंदी पर विशेष ध्यान दें। तीसरा है कि नारे में शब्द का उपयुक्त चयन होना चाहिए। नारे का जो शब्द है वह उपयुक्त शब्द हम चयनित करें, यानी कि शब्द जो है विषय से उसका तालमेल हो, और विषय उचित सही शब्दों का प्रयोग हो, और भाषा जो उसमें जो हो उसमें प्रवाहमयता हो, उसमें प्रवाहमयता हो, साथ साथ प्रभावशाली भी होना चाहिए। और शब्दों का, जब हम सही शब्दों का चयन करेंगे, तो वह नारा जो है बहुत ही प्रेरक और आकर्षक होगा, और स्वतः ही या जल्दी ही वह लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाएगा। अगली बात यह है कि उसकी सीमा जो है निश्चित होनी चाहिए। निश्चित सीमा में नारे लिखे जाते हैं, या तो कम से कम 2 शब्द हो या अधिक से अधिक 20 शब्द हो। कम से कम 2 शब्दों का प्रयोग, 2 शब्दों के नारे हो सकते हैं, या अधिक से अधिक 20 शब्द होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारे जितने छोटे होंगे उतना ही लोगों को वो याद करने में आसानी होगी, और वे जल्दी से लोगों के को याद हो जाएंगे, उनको याद होने के बाद जो है उसका असर उनके ऊपर, उनके जीवन पर, उनके दिमाग पर
वो विशेष रूप से छाया होता है, इसीलिए उसका प्रभाव पड़ जाता है। अगला है कि ये आकर्षक, प्रेरक और उत्साहवर्धक होना चाहिए। नारे की खासियत यही है कि नारा हमेशा जो है वो आकर्षक हो और साथ साथ उसमें जो है वह प्रेरक हो, यानी कि प्रेरणादायक हो। नारे जो है उसकी विशेषता यह है, एक सफल नारे की विशेषता यह है कि वह आकर्षक होना चाहिए, प्रेरणादायक यानी कि ऊर्जावान होना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ते ही सीख जानते ही लोगों के अंदर जोश आ जाए। ऊर्जावान यानी कि जोश से भरा होना चाहिए और ऐसा हो कि लोग जो है उससे वह लोगों का उत्साहवर्धन करे। ठीक है, तो यहाँ पे अगली जब आपको विशेषता ये है इसकी कि मौलिकता होनी चाहिए। नारे में सब ये भी ध्यान देना चाहिए कि नारा हम किसी की नकल करके ना करें। जैसे कि किसी व्यवसायिक नारे को अगर हमें लिखना, कोई व्यवसायिक नारा हमें अलग से लिखना है, परीक्षा में यदि किसी प्रोडक्ट या किसी उत्पाद पे नारा हमें लिखना है तो किसी माने प्रचलित नारे को लेकर, किसी प्रोडक्ट का जो प्रचलित नारा है उसको हम नहीं लिखेंगे। उसको लिखने से उसका अच्छे अंक उसके नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो नारा है वह पूरी तरह से मौलिक हो, यानी खुद का बनाया हुआ हो, उसमें रचनात्मकता हो, सृजनात्मकता हो, क्रिएटिविटी हो। ये विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि नारा लेखन एक तरह की कला है, एक तरह का एक स्किल है, एक तरह का कौशल है, जिसका मतलब ऐसे आप जो है बच्चे ज़्यादा बच्चों के अंदर मौलिकता होती ही है, वे बहुत दूर की सोचते हैं और बहुत सृजनात्मकता होने के कारण अच्छे अच्छे आप लोग नारे बनाते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में आए विषयों पर जब नारा लेखन आप करें तो वो आपका अपना हो, आपके अपने बनाए हुए शब्द, आपके खुद के बनाए हुए शब्दों में लिखा गया हो। उसके पश्चात जो है अगला है कि विषय से संबद्धता, मतलब कि जो विषय आपको दिया गया है, मान लीजिए यदि आपको दिया जाता है शिक्षा से संबंधित, तो शिक्षा पे ही नारा बनाएंगे, जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वे शिक्षा से संबद्ध होने चाहिए। संबद्ध मतलब जुड़े हुए होने चाहिए, उनका उससे तालमेल होना चाहिए। यानी कि ऐसा मान लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको शिक्षा पे दिया गया हो और आप राजनीति पे कोई नारा बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विषय दिया गया हो, जब भी आप, या तो मान लीजिए किसी व्यवसाय के लिए आपको नारा बनाने के लिए दिया गया हो, किसी उत्पाद के लिए, तो आप उस विषय पे हमेशा ध्यान दीजिएगा और जिससे कि आपका जो नारा है वो बहुत ही आकर्षक हो। और इसके पश्चात ये है कि उसमें चित्र का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, चित्रों का प्रयोग भी हो सकता है इसमें। चित्रों का प्रयोग कभी कभी हम इसमें चित्रों का प्रयोग करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा नहीं है कि ये हम चित्र के माध्यम से ही अपने नारे दिखाएं या नारे बोलें। इसके लिए जो है हम चित्र का प्रयोग कर सकते हैं जो कि थोड़ा प्रभावशाली होता है, लेकिन चित्र का प्रयोग हमेशा आवश्यक नहीं है। नारे के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि उसे उद्घोष भी कहते हैं, घोष कहते हैं, जनमानस के हृदय पर छा जाए और प्रेरणादायक हो, ऐसे शब्दों के चयन के माध्यम से जिन बातों को हम अपने भावों की अभिव्यक्ति लोगों के सामने करना चाहते हैं उनको नारा कहा जाता है। अब नारे का जो प्रकार है
उसका जो है उसके जो है मुख्य तथ्य विचार या तथ्य पर भी जोर शोर से किसी भी मतलब जोर शोर से ध्यान होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि नारे का जो तथ्य है वह जोरदार हो। यानी कि किसी भी किसी के समक्ष यदि हम अपने बातों को रखना चाहें वह इतना ज़ोरदार हो कि हम अपनी बातों को मनवा लें। यानी कि उस नारे में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बड़े से बड़े कार्य को आसानी से करवाया जा सकता है। भी ऐसा है माना जाता है कि नारा जो है वह विषय की जो विषय रूपी जो कुंजी है वहाँ तक पहुँचने का बड़ा ही आसान तरीका है। माने विषय रूपी कुंजी यानी जो आपको विषय दिया गया नारे का, तो उसकी जो उसका जो कीवर्ड है उसका जो उसकी जो कुंजी है वहाँ तक पहुँचने के लिए नारा एक सशक्त माध्यम या साधन है। अब आप फिर से एक बार इसके मुख्य बिंदुओं को आपको बता दे रही हूँ कि किसी सबसे पहले ये बता देती हूँ कि नारा जो है वह किसी विशेष उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है। ये आपको ध्यान देना होगा कि नारे के पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई उद्देश्य होता है। दूसरी बात यह है कि उसमें लयबद्धता होनी चाहिए। नारा लिखते हैं जब तो उसमें लयबद्धता होनी चाहिए, यानी कि तुकात्मक यदि होगा तो लयबद्ध होगा ही, क्योंकि वो कविता की तरह बोला जाएगा। फिर उसमें एक वह एक घोष वाक्य की तरह होना चाहिए, माने एक उद्घोष की तरह होना चाहिए। यानी कि आप जो है अपने बातों को सशक्त ढंग से किसी के सामने रख सके, तभी यह वह एक सफल नारा कहलाएगा। तो आपको कुछ इन मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से याद दिलाती हूँ कि जैसे सबसे पहला है कि सरल शब्दों का इसमें प्रयोग होना चाहिए, दूसरी बात है कि वह तुकांत होना चाहिए, तीसरी बात है कि शब्दों का सही प्रयोग माने शब्दों का सही चयन होना चाहिए और निश्चित उसकी समय सीमा होनी चाहिए, निश्चित उसकी सीमा होनी चाहिए शब्द सीमा कि या बहुत अगर छोटा हो तो दो तीन शब्द का बनाएं और यदि बड़ा हो तो 20 शब्द यानी एक या दो पंक्ति में ही बनाएं। छोटे से छोटे अंश में आप बड़े से बड़े भावों को यदि व्यक्त करते हैं तो वह सही नारा सफल नारा माना जाएगा। इसके बाद नारा हमेशा आकर्षक होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए एवं उत्साहवर्धक होना चाहिए। नारे ऐसे हों जो कि हमें प्रेरणा प्रदान करें, लोगों को प्रेरणा प्रदान करें। अगला बिंदु ये है कि नारों की में मौलिकता का होना आवश्यक है। नारे हमेशा मौलिक ही अच्छे माने जाते हैं। किसी की नकल करके नारे यदि लिखे जाएं तो वह नारा अच्छा नारा नहीं माना जाता है। फिर अगला है कि नारे को हमेशा विषय से संबद्ध होना चाहिए। जो भी विषय दिया जाए आपको नारा लिखने के लिए उस विषय से वह नारा निश्चित रूप से उसका तालमेल बना होना चाहिए। अगला है कि उसमें चित्र का प्रयोग आप करते हैं, कभी कभी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत आवश्यक नहीं है कि हमेशा चित्र का ही प्रयोग किया जाए। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि नारे वे होते हैं जो हमारे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ दें, हमारे दिलो दिमाग पर छा जाए, यानी व्यक्ति के दिमाग पे जो असर कर दे वह एक सफल नारा माना जाएगा। अब हम आपको कुछ नारों के बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे कुछ राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो उन्होंने जो नारे दिए वे नारे जो है बहुत ही प्रसिद्ध नारे हो गए हैं। वे आज भी हमें याद हैं और हम जब भी होता है उनको हम उनके नारों के द्वारा याद करते हैं। जैसे ये राष्ट्रीय नारे कुछ हैं,
जैसे कि बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो, और उसके बाद जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था। इसके पश्चात एक बड़ा ही प्रसिद्ध नारा उन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन सभी नारों को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अब गांधी जी का नारा था, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई, मतलब कि अब आप इस नारे से इतना समझ में आपको आ गया है, तो इसमें करो या मरो दो ही शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द में इतना गूढ़ अर्थ भरा हुआ है कि तत्कालीन समाज में जो अंग्रेजों ने जुल्म ढाए हुए थे, उन्होंने अत्याचार मचा वे अत्याचार करते थे, तो उनके लिए ये था कि हमारे देश की जनता को एक तरह से प्रेरणा प्रदान की जा रही थी कि इस उद्घोष के माध्यम से कि उनका या तो विरोध करो, मतलब या तो अपने देश में कुछ नया करो, और उसके लिए अपनी जान भी देना हो तो दे दो। फिर आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू जी का एक उद्घोष, एक नारा आराम हराम है, ये भी हमें एक बड़ा ही अच्छा संदेश देता है। आज भी हम इसको कहीं ना कहीं उद्धरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं कि हमें आराम कम करना चाहिए, काम ज़्यादा करना चाहिए, काम को विशेष महत्व देना चाहिए, और इससे ये जो है प्रेरणा स्रोत है एक तरह से ये स्लोगन, ये नारा। फिर आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान, ये हैं राष्ट्रीय नारे। फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एक अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, ये भी आपने सुना होगा। तो इस तरह से ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय नारे हैं जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या बड़े बड़े जो महान राजनीति हो चुके हैं, जो हमारे देश भक्त हो चुके हैं, उन्होंने इन नारों को दिया था और उनको लोगों ने याद किया, उससे प्रेरणा प्राप्त की, और प्रेरणा प्राप्त करके वे उस पर अमल करने को पूरी तरह से तैयार हो गए थे। इसके पश्चात जो है कुछ सामाजिक नारे हैं, सामाजिक नारे जैसे हैं कि आजकल लड़कियों की शिक्षा पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, तो एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी कि बेटियों को पढ़ाओ तभी देश को आप बचा सकते हो, बेटी को बचा सकते हो। यदि बेटी जागरूक होगी तो परिवार जागरूक होगा, और एक परिवार जागरूक होगा तो देश जागरूक होगा, और देश जागरूक होगा तभी देश की उन्नति होगी। तो इस छोटे से नारे में इतना ज़्यादा भाव, इतना गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। नारों का तात्पर्य यह है कि नारा हो संक्षिप्त पर उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ उससे निकलता हो। फिर शिक्षा संबंधी अन्य नारे भी हैं, जैसे साक्षरता के लिए है कि हम बच्चों का नारा है शिक्षा अधिकार हमारा है, ये नारा हम सर्व शिक्षा अभियान के लिए हम इस नारे का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम बच्चों का नारा है शिक्षा अधिकार हमारा है। फिर ये नारा भी आपने सुना होगा, लड़का लड़की एक समान, सबकी सबको शिक्षा सबको ज्ञान। लड़का लड़की एक, मतलब हमारे देश में लड़का लड़की पे बड़ा भेदभाव चलता था पहले के समय में, लेकिन इन नारों ने लोगों की आंखें खोल दी, लोगों को ये सोचने पे विवश कर दिया कि लड़का लड़की कोई इनमें दोनों लड़के में कोई लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, सबको समान अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। फिर आगे एक और नारा है कि हम सबका एक प्रयास ए सब ओर शिक्षा का विकास, सब ओर हो शिक्षा का विकास, हम सबका है एक प्रयास सब ओर हो शिक्षा का विकास।
ये कुछ सामाजिक नारे हैं। इसके अलावा सामाजिक नारों में आपने ये सुना होगा जल ही जीवन है। हम हमेशा जल बचाने की बात करते हैं कि अगर इसमें एक संदेश छुपा हुआ है कि जल यदि हम बर्बाद करेंगे तो कल ऐसा होगा कि हमें जल नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये जल है तो कल है, एक आपने सुना होगा। इसी प्रकार इस ये LIC यानी जीवन बीमा वाले जो है वो अपना कुछ अपने अलग बनाए हैं, उन्होंने दिया है कि यदि आप आज जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, यानी कि आप जीवित रहेंगे तब भी LIC आपका साथ देगा और आपके न रहने पर भी LIC आपकी मदद करेगा। फिर पर्यावरण सुरक्षा के लिए, इसके पश्चात जागरूकता के लिए हम कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। इसके बाद आजकल कोरोना का बहुत है, इसके लिए प्रचार हो रहा है कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। ये आपने देखा होगा, सुना होगा ये नारा कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। तो इस प्रकार नारों के अंदर वह शक्ति है जो व्यक्ति को सोचने पे तो विवश कर ही देती है और उनके मन के विचारों को भी बदलने में का सामर्थ्य रखती है। इस प्रकार नारों में यदि आप इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे तो आपका भी नारा एक अच्छा नारा और एक सफल नारा होगा जो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा। धन्यवाद।